Hi guys, this is Jayashree और इस वीडियो में हम रिब केज का डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन खींचिए, वो भी बहुत ही लाइट हैंड से, और उसके बाद एक इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए जो कि आपको फर्दर ड्राइंग बनाने में हेल्प करेगा। अगर आपको साइंस के किसी भी स्पेसिफिक डायग्राम का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो जैसे हमने एक साइड का पार्ट ड्रॉ किया है एग्जैक्टली वैसे ही हम दूसरे साइड का भी पार्ट ड्रॉ करेंगे।
रिब्स का फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया है, पर ये रिब्स जो हैं पीछे की तरफ एक्सटेंड होती हैं और बैकबोन में अटैच्ड होती हैं। तो अब हम लोग एक एक रिब्स को एक्सटेंड करेंगे और पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। We humans have 12 pairs of ribs, out of which 10 pairs we have already drawn. Last two pair, that is 11th and 12th pair, they are called as floating ribs, so that we are going to draw now. If you found this video useful, do like this video and also subscribe to my channel JV Tutorials.